हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिनीता। बिनीता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज पिज्जा की रेसिपी। पिज्जा सभी को बहुत ही पसंद आता है। अगर मेरी पिज्जा की रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए पिज्जा कैसे बनाते हैं, चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्तन में लेंगे 1 कप मैदा। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसका बेस। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। हम इसे बिना ईस्ट के बना रहे हैं, इसलिए इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर पाउडर और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे आयल। आयल हमने 1 टेबल स्पून लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने रूम टेम्परेचर पे ही लिया है। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। हम इसी से इसका डो तैयार करेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एकदम मुलायम आटा तैयार कर लेंगे। हमने अच्छे से दही के साथ इसको मिला लिया है, लेकिन आटा हमारा अभी थोड़ा सा सख्त है, तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी। ये देखिए, हमने बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब हम इस पर डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच के करीब आयल। इस पर हम आयल लगा के अच्छी तरह से मसलेंगे। आटे को जितना अच्छे से मसलेंगे उतना ही हमारा पिज्जा बढ़िया बन करके रेडी होगा। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक करके रख देंगे। इससे आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। पिज्जा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया एक स्टील का प्लेट। पिज्जा इस पर चिपके नहीं, इसलिए इस पर हम 2 से 3 बूंद आयल लगा के इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। पिज्जा को हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में। हमने एक गहरी कढ़ाई ली है, उसमें आप चाहे तो इस तरह का कोई बर्तन, चाहे कोई आपके पास कटोरी हो या फिर स्टैंड हो, आप इसमें रख सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 कप के करीब नमक। आपको नमक ये कुछ अलग तरह से लग रहा होगा। इसे हमने कई बार बेकिंग में यूज किया है, जिससे इसका कलर इस तरह से हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में चारों तरफ से फैला देंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। 20 मिनट हो चुका है। अब हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से मसल लेते हैं। अब आप चकला या प्लेटफॉर्म पर इस तरह से मैदा स्प्रेड करेंगे और इस मैदे को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम इस मैदे को इस तरह से टक करेंगे नीचे की तरफ। अब हम पिज्जा का बेस तैयार करेंगे। इस पर मैदा स्प्रेड करके इसे हम बेल लेंगे। पिज्जा थोड़ा सा मोटा ही रखना है। आपने मार्केट से पिज्जा खाया होगा तो आपने देखा होगा कि पिज्जा का बेस थोड़ा सा मोटा ही रहता है। इतना ही बस मोटा हमें इसे बेलना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम प्लेट पे इसे चारों तरफ से हथेली से दबाकर फैला लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा साइड में इसे हम प्रेस करेंगे और हल्का सा गड्ढा चारों तरफ हम कर लेंगे। अब हम फोक लेंगे और इस तरीके से पिज्जा बेस पे होल बनाएंगे ताकि पिज्जा हमारा बीच में से फूले नहीं। अब हम इसके ऊपर 2 बड़ा चम्मच पिज्जा सॉस डालेंगे। ये होममेड पिज्जा सॉस है,
पिज्जा सॉस कैसे बनाया जाता है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला देंगे। सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे मोजरेला चीज़, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब हम इस पर अच्छी तरह से मोजरेला चीज़ लगा देंगे, आपको जितनी भी सुविधा हो उतना आप लगाएं इस पर। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही लगाऊंगी, बच्चे को यमी यमी, चाहे बड़े को एकदम चीजी पिज्ज़ा बहुत ही पसंद आता है। इसके ऊपर लगाते हैं यमी सी टॉपिंग। हमने सबसे पहले इस पर शिमला मिर्च को इस तरह पैटल में काट लिया है और इसे अच्छी तरह से टॉपिंग कर दी है। अब इस पर ओनियन को भी हमने अच्छी तरह से लगा दी है। हमने कुछ पनीर के क्यूब्स भी रखे थे, उसको भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से टॉपिंग कर दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डालेंगे और इसके ऊपर फिर से हम मोजरेला चीज़ को डाल देंगे ताकि ऊपर से भी देखने में एकदम यमी यमी रहे। ये हमारे पास मोजरेला चीज़ के थोड़े से क्यूब थे, उसको मैंने ग्रेटेड कर लिया था और अब हम किनारे पर इसके ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा पिज्ज़ा किनारे से भी अच्छी तरह से सिक जाए। देखिए हमारा पिज्ज़ा एकदम रेडी है। अब इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देंगे। कढ़ाई हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पिज्ज़ा को डाल देंगे बेक करने के लिए और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इसे आप 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दें और आप एक बार इसे 10 मिनट में बीच में चेक कर सकते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। वाव, कितना बढ़िया हमारा पिज्ज़ा बन करके रेडी हो गया है। आप देख रहे होंगे कितना यमी यमी, कितना बढ़िया, और चीज़ भी हमारा कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब आपको मार्केट से पिज्ज़ा खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और देखिए कितना हमारा पिज्ज़ा सॉफ्ट बना है। अब हम इसको पिज्ज़ा कटर से चार पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। अब हम आपको इसे निकाल कर दिखाते हैं। इसका फ्लफ देखिए, ये कितने अच्छे से फूल गया है, कितना चीजी और कितना बढ़िया हमारा पिज्ज़ा बना हुआ है। मुझे पक्का विश्वास है आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा, ये बना ही इतना बढ़िया। मैं अब इसके नीचे का बेस दिखाती हूँ। वाओ, कितना बढ़िया से ये हमारा बेस भी सीख गया है। ये लग रहा है कि कढ़ाई में बना हुआ, बिल्कुल ओवन की तरह ये बन करके रेडी हुआ है। बिना ईस्ट और बिना ओवन के बाज़ार से भी बढ़िया हमारा पिज्ज़ा बन करके रेडी हो चुका है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।